Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the e-learner. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी नॉलेजेस के साथ एक बात बताने वाला हूँ, मे बी कई सारे लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल हो और मे बी कई लोगों के लिए ना हो, लेकिन पूरे वीडियो को देखने के बाद ही कंक्लूजन जरूर निकालिएगा। एक छोटी सी नॉलेज ये बात करते हैं कि आपने इनमें से कई लोग होंगे जो क्रिकेट खेले होंगे और कई ऐसे लोग होंगे जिन जो कि क्रिकेट के बारे में जानते होंगे। जिनको नहीं पता है वो जाके गूगल कर लें। क्रिकेट इंडिया में एक धर्म की तरह से खेला जाता है या पूजा जाता है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है कि क्रिकेट में अभी अगर आप देख रहे होंगे तो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें क्या है कि इंग्लैंड के एक पिच पे, अगर एक मैं बात करूँ या नॉर्मल इंडिया के एक पिच पे, एक इंडिया की टीम होती है, इंग्लैंड की टीम में 11-11 लोग दोनों टीम में होते हैं प्लेइंग 11, और उसमें से एक ही पिच पे कई सारे बैट्समैन सेंचुरी लगा जाते हैं और कई सारे बैट्समैन डक पे आउट हो जाते हैं, यानी जीरो पे आउट हो जाते हैं। एक ही पिच होती है, पांच बॉलर्स होते हैं और वो पांचों बॉलर्स या छह बॉलर जो भी होते हैं, पांच या छह बॉलर्स जो होते हैं एक ही पिच पे 11 लोगों के लिए लगभग लगभग एक ही तरीके के गेंदबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं गेंदबाजों के खिलाफ कई सारे ऐसे बैट्समैन या बल्लेबाज होते हैं जो कि सेंचुरी लगा जाते हैं और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लीन बोल्ड हो जाते हैं या जीरो पे आउट हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इट्स ऑल अबाउट द टेक्निक्स जो कि वो बैट्समैन यूज करते हैं। वो बैट्समैन क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई टर्निंग पिच है, किसी को गुगली नहीं समझ में आ रही है तो वो आउट हो जा रहा है, कोई टर्निंग पिच है वो टर्न नहीं खेल पा रहा है, उसको फास्ट चाहिए, उसको स्ट्रेट जो है वो चाहिए, तो वो आउट हो जाएगा। जिसको टर्निंग पिच पे खेलना आता होगा वो आराम से स्पिन खेलेगा और सेंचुरी लगाएगा या अच्छे रन बनाएगा। तो एक ही कंडीशन में आखिर अलग अलग परफॉर्मेंस क्यों आता है? दैट लाइक कि हाँ, जो स्किल है उसके ऊपर बात की जाती है। अगर उनके बाद अगर जब भी मैच खत्म होता है, मान लीजिए फॉर्चुनेटली इंडिया जीत गई, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसी के लिए, उसी पिच के लिए, उसी बॉलर्स के लिए, उन्हीं टीम्स के लिए जो बैट्समैन जीरो पे आउट होता है वो कहेगा कि पिच वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज हार्ड टू प्ले, और वो बहुत ही डिफिकल्ट था प्ले करना वहाँ पे। लेकिन जो सेंचुरी लगाएगा वो यही बोलेगा कि पिच वॉज ऑल दो डिफिकल्ट या ठीक था, खेला मैं, अच्छा किया। दैट इज लाइक कि वो बोलेगा कि हाँ अच्छा था। सो अलग अलग बैट्समैन का अलग अलग परसेप्शन होता है। कभी भी किसी भी बैट्समैन, जब कोई एक बैट्समैन आउट होता है, दूसरा बैट्समैन जब आता है फील्ड में, कभी भी आपस में कन्वर्सेट नहीं करते, इसलिए कि वो कभी उसको बताता ही नहीं कि पिच कैसा है। वो जाएगा, वो बैठ के देख रहा होता है, जाके खेलेगा। एग्जैक्टली इस एनालॉजी का यूज हमारे CSIR एग्जाम में होता है। वही 145 क्वेश्चन हर किसी को दिए जाते हैं, लेकिन कुछ क्वालिफाई बस इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी स्किल्स अलग होती है। अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे स्ट्रेटेजी का पूरा मेला लगा हुआ है, चल रहा है, हर कोई जो है स्ट्रेटेजी बता रहा होगा। और लिटरली द्रविड़ अगर सहवाग की स्ट्रेटेजी पे खेलेगा तो द्रविड़ कभी द्रविड़ बन ही नहीं पाता। अगर सहवाग द्रविड़ की तरह खेलने लगता तो सहवाग कभी सहवाग नहीं बन पाता। धोनी अपने आप में महान है, सचिन तेंदुलकर अपने आप में महान है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। एग्जैक्टली जो कोई टॉप किया है या जिसने भी CSIR क्वालिफाई किया है उसकी स्ट्रेटेजी अलग है। वो एक अलग सर्कमस्टेंसेस से आया हुआ इंसान है, उसने क्या किया क्या नहीं किया वो अप्लाई करके जरूरी नहीं कि आप कर जाओगे, ठीक है। हर किसी की, अगर मैं बोलूं मैंने 6 यूनिट पढ़ के क्वालिफाई किया, आज के टाइम में मुश्किल है, लिटरली बोलूं तो आपको पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। सो जो हो चुका है या जो लोगों ने किया है वो उनका परसेप्शन था, जरूरी नहीं है कि उस चीज पे चल के आप जो है क्वालिफाई करें। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्किल। अगर आप द्रविड़ हैं तो द्रविड़ की तरह खेले, सहवाग ना बने, और अगर आप सहवाग हैं तो सहवाग की तरह खेले, द्रविड़ ना बने। इस वक्त स्ट्रेटजीज का जो ये सुनामी आया हुआ है ना यूट्यूब पे, हर कोई लगा पड़ा अपने यूट्यूब पे, मैंने चैनल पे कोई भी नहीं डाला, ऐसा नहीं कि बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, किया है कुछ लोगों ने, बट स्टिल ये आप लोगों को पता ही होगा और जिन्होंने किया उनको भी पता होगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल एक चीज, जितने भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्लीज बिलीव इन योर स्ट्रेटजी एंड इन योर स्किल। बी द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट द सेकेंड वर्जन ऑफ एनी वन। अपना पहला वर्जन बनना सीखो, दूसरे का किसी दूसरे इंसान का दूसरा वर्जन बनने से कई ज्यादा बेहतर है।
जिस दिन आप दूसरों से ज्यादा खुद पे यकीन करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आप अच्छा करोगे, अपने स्किल्स को पहचानोगे, अपने कमियों को पहचानोगे, उनको इम्प्रूव करोगे। दूसरे ने बोल दिया डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट मान लिया, किसी ने बोल दिया बायोकेमिस्ट्री इजी तो इजी मान लिया, किसी के कहने से क्यों, आपको क्या फील होता है वो इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि डिफिकल्ट बायो डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिफिकल्ट लगे, हो सकता है बायोकेमिस्ट्री इजी लगे, कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और कैसे क्या करना है। कई सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं लेता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आगे भी मैं लेके आऊंगा कई सारे स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में अनअकैडमी पे, और इसके अलावा जो है कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी चलते रहेंगे। सो एक बार फिर से मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि आप लोग स्ट्रेटजी के इस भंवर में फंस मत जाइएगा। ये एक तरीके से ऐसा जाल बुनता जा रहा है जो कि आपके माइंड वॉश कर देगा और आपका अंदर क्या है इसके लिए आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, और गोल गोल घूमते कभी ये कोई कह रहा है, वो कोई कह रहा है, वो कोई कह रहा है, वो कोई कह रहा है, इसके इसके फॉलो करते करते आप जो है वो परेशान हो जाओगे। एक छोटा सा और एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि आप दिल्ली में हो, दिल्ली में आपको राजेंद्र प्लेस से जाना है करोल बाग लेके रोड से चले गए, मैं जब गया वहां से तो काफी ज्यादा ट्रैफिक था बाई कैब, और मैंने फोन किया कि यार पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पर्सन यहाँ पे ट्रैफिक है, तू इस रूट से मत लियो, मेट्रो ले लियो या कोई दूसरा रूट ले लियो। और हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड जो है वो 2 घंटे बाद उस रूट पे गया और बोलता है ट्रैफिक तो था ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहा था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जब मैं था तब ट्रैफिक था और जब वो इंसान था तो ट्रैफिक नहीं था। एक ही कंडीशन, एक ही रोड पे, एक ही पाथ पे दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि हर किसी का टाइम अलग अलग होता है, हर किसी के कंडीशंस अलग अलग होते हैं। इसीलिए आप दूसरों के कंडीशंस के हिसाब से चलोगे तो शायद भटक जाओगे। जो इस इंसान को CSIR बोलेगा ऐसे ऐसे कर लो, हो सकता है कि आपके टाइम पे वो कंडीशंस ना हो तो आपके लिए वो वैल्यूबल होगा ही नहीं या वैलिड होगा ही नहीं, अप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो ये चीज समझिए, अपनी स्ट्रेटजी पे यकीन रखिए, ये भंवर में मत फंसिए, सुनामी में मत बह जाइएगा, नहीं तो CSIR निकले ना निकले जिंदगी जो है ना काफी कुछ सिखा जाएगी। इसलिए अभी भी मौका है बेटा, पढ़ लो और क्रैक करके दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।